सर पहली चीज कि जो आमंत्रा में क्वारंटाइन अभी तकरीबन तकरीबन फुल हो चुके हैं सर, नए क्वारंटीन के लिए थोड़ा सा बताइए। हम लोग नई क्वारंटीन फैसिलिटी अगले दो महीने में तैयार करके लेने वाले हैं, उसमें से कल कई स्कूल में काम भी शुरू हो चुका है, वहाँ पे हम 400 बेड का क्वारंटीन सेंटर एस्टेब्लिश करने वाले हैं और मुझे उम्मीद है कि आज शाम को या फिर कल सुबह तक हम जल्दी शुरू कर देंगे। तो क्वारंटीन सेंटर पे अगले 3-4 दिन में और ज़्यादा काम करेंगे और शहर को जितनी जरूरत है उस हिसाब से क्वारंटीन सेंटर की कमी नहीं रहने वाली है, इसके ऊपर हमारी तरफ से कार्रवाई की। सर कितने बेड का क्वारंटीन सेंटर बना रहे हैं सर? रईस स्कूल में 400 बेड का होगा और हमारा प्रयास ऐसा है कि हम अगले 3 दिन के अंदर कम से कम 1000 बेड का क्वारंटीन की फैसिलिटी और ऐड करेंगे, तो क्वारंटीन की कोई कमी शहर को रहने वाली नहीं है। सर पोगांव में जो बन रहा है, एक काफी पूरे शहर में चर्चा है कि 350 बेड का पोगांव में क्वारंटीन सेंटर बन रहा था, लेकिन उस बारे में सर बताइए। हमारे पास हॉस्पिटल तैयार करने के लिए बहुत सारे ऑप्शन है, उसमें से एक ऑप्शन पोगांव में तैयार करने का था, उसके ऊपर हमने बहुत सारी जगह का इंस्पेक्शन भी किया है और अगर बट इस बारे में अभी तक कुछ भी फाइनल नहीं कि किस जगह पे करना है, जब फाइनल होगा तो उसमें आपको सूचना दे दी, बट अभी तक कुछ फाइनल नहीं हुआ है कि कहां पे वो हॉस्पिटल तैयार है। कोरोना में जैसे मैंने बताया कि सबसे जरूरी वो है कि जो 5 चीज़ें जरूरी है कि सबसे पहले तो जो पेशेंट आते हैं उनका पेशेंट का इलाज होना अच्छे से अच्छे जरूरी है ताकि मौतें कम हो, और उसके लिए जरूरी है कि पेशेंट हमारे पास जल्दी से जल्दी आए। सेकंड बात हमको जो करनी होती है कि जो पॉजिटिव पेशेंट आया है उसके सारे कॉन्टैक्ट को निकालना, उनकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करना, उनको टेस्ट करना, और उसके बाद में एक चीज़ होती है कि घर पे हमारी सर्वे टीम भेजती है जो सस्पेक्टेड पेशेंट है, जिनकी उम्र ज़्यादा है, जिनको और पहले से बीमारी है, उनको आइडेंटिफाई करना, उन लोगों के सिम्टम है तो उनको उनके घरों से निकाल के हॉस्पिटल में या फिर क्वारंटीन सेंटर में रखना। और उसके बाद में नेक्स्ट एक्शन प्लान ये होता है कि कम्युनिटी में जो कम्युनिटी के लोग हैं, मीडिया के लोग हैं, डॉक्टर्स हैं, प्रतिष्ठित नागरिक हैं, पॉलिटिकल लोग हैं, धार्मिक लोग हैं, उनसे बात करना और कम्युनिटी का ट्रस्ट लेके कम्युनिटी को साथ में इन्वॉल्व करके कैसे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को बाहर निकाला जाए, कोरोना का जो डर है वो निकाला जाए, और कोरोना से जो इस चेन ऑफ ट्रांसमिशन को रोकने के लिए ज़रूरी है कि पेशेंट घर से बाहर निकले और तभी ये बीमारी से हम लोग लड़ पाएंगे, इस पे हमारा फोकस है। सर नागरिकों में एक रूमर है कि कोविड-19 के जो अस्पताल है वहाँ पर जो मरीज जाते हैं या तो वो मर जाते हैं या उन्हें डर लगने लगता है कि जबरदस्ती डॉक्टर इंजेक्शन दे रहे हैं, कोरोना का पेशेंट बता रहे, इस तरह से जो एक रूमर फैला हुआ है उसके लिए क्या कहना? मैं उसमें सारे नागरिकों से वही अपील करूंगा कि अपने शहर में 1200 के आसपास जो पॉजिटिव पेशेंट आए हैं उसमें से 450 पेशेंट ठीक होकर घर भी जा चुके हैं और 40% की रिकवरी है। अगर आप महाराष्ट्र का एवरेज देखेंगे, महाराष्ट्र में 50-55% से ज़्यादा पेशेंट ठीक हो चुके हैं, तो उसमें ज़रूरी वही है कि इस बीमारी में मौत होने का नंबर बहुत कम होता है, 95% ज़्यादा लोग हैं उनको आराम से 10 दिन में वो रिकवर भी हो जाते हैं, उनको ज़्यादा इलाज की जरूरत नहीं होती है, बट ज़रूरी है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जितना जल्दी पहले आएंगे हमारे पास में उतना ही हम मौतों को कंट्रोल कर पाएंगे। बाकी जगह आपने देखा होगा कि जहाँ पे पेशेंट हमारे शहर में भी देखा होगा कि जहाँ पे पेशेंट जल्दी अगर बाहर आ गया है तो उसकी जान हमने बचाई है, लेकिन जब पेशेंट लेट आता है तो उसको बचाना बहुत मुश्किल होता है। इस बीमारी में सबसे बड़ी चुनौती हुई है कि पेशेंट जल्दी से जल्दी इलाज के लिए बाहर आए, तभी वो खुद भी बचेगा, उसके रिश्तेदार भी बचेंगे और समाज भी बचेगा। सर भिवंडी में जो डॉक्टर्स डर के मारे प्रैक्टिस नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि भिवंडी के कई लोग ऐसे हैं जो डॉक्टरों को धमका रहे हैं, डरा रहे हैं, उस बारे में सर बताइए जरा। मैं सारे नागरिकों से वही अपील करूंगा कि इस टाइम पे कोरोना के टाइम पे हमारे लिए सबसे बड़े जो योद्धा हैं वो डॉक्टर, नर्स और स्वास्थ्य कर्मचारी हैं, तो उन सबकी हमको रेस्पेक्ट करनी चाहिए, धमकाने की कोई जरूरत नहीं है। डॉक्टर और नर्सेज और उनके अंदर पैनिक का माहौल है तो अगर ऐसी कोई बात है तो हम उसको एड्रेस करने की कोशिश करेंगे, लेकिन नागरिकों से वही अपील है कि ऐसा कुछ भी करना नहीं चाहिए, क्योंकि ये लोग हमारे लिए अपनी जान को जोखिम में डाल के फ्रंट लाइन पे हमारे लिए काम कर रहे हैं। सर जिस तरह से देखा गया कोरोना का पेशेंट जब भिवंडी शहर में काफी कम थे तो उस समय पूरे शहर में जो है सैनिटाइजर किया जा रहा था, धुआंकरण किया जा रहा था, लेकिन पेशेंट सर भिवंडी शहर में इस वक्त बड़े हैं, लेकिन अभी सारी वो चीजें देखने को नहीं मिली। अगर ऐसी कंप्लेन है तो मैं अगले 2-3 दिन के अंदर उसमें कार्रवाई करूंगा, जहां जहां पे केसेस निकले तो हम पक्के कंटेनमेंट जोन के अंदर सैनिटाइजेशन फॉगिंग की कार्रवाई वापस शुरू करेंगे, इसका मैं आपको आश्वासन दूंगा। और हाथ लेवल पे क्या है एम्बुलेंस और दूसरी फैसिलिटीज के लिए, क्या अभी आपका क्या एक्शन प्लान है? हमने हर प्रभाग स्तर पे जो हमारी 5 एक्टिविटीज जो मैंने आपको बताई उस सबके लिए एक एक नोडल पर्सन हमने अपॉइंट किया है, और इसके अलावा एम्बुलेंस की ट्रांसपोर्टेशन की जो इशू है हम एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ा रहे हैं, एम्बुलेंस के लिए ड्राइवर की जो इशू थे उसमें भी आज हमने 10 नए ड्राइवर अपॉइंट किए हैं, तो एम्बुलेंस की प्रॉब्लम नहीं रहने वाली है, एम्बुलेंस की संख्या भी बढ़ाई जाएगी और प्रभाग स्तर पर हमने एक एक एम्बुलेंस देने का निर्णय किया है और कोविड हॉस्पिटल में एक एक एम्बुलेंस देने का निर्णय किया है, एम्बुलेंस की किसी को तकलीफ नहीं रहने वाली है, ये हम 1-2 दिन में उसकी खातिर करेंगे। सर एलिगेशन है कि प्राइवेट जो एम्बुलेंस सर्विस है
वो सिर्फ एक किलोमीटर के लिए डेड बॉडी ले जाने के लिए 5,000 रुपीज चार्ज कर रहे हैं, जिसके अंदर कहीं ना कहीं आईजीएम से लेकर महानगर पालिका के वो लोग भी मिले हुए हैं जो भिवंडी महानगर पालिका की जो एम्बुलेंस है वो नहीं प्रोवाइड कर पा रहे हैं, उस बारे में बताइए सर। कोविड पेशेंट के जो डेड बॉडीज है उनके ट्रांसपोर्टेशन करने के लिए हमने आज सुबह ही चर्चा की है, हम एक डेडिकेटेड चवाई का देंगे जो कि जो कोविड सस्पेक्टेड है या कंफर्म डेथ है उसके ट्रांसपोर्टेशन के लिए एक या दो दिन में फैसिलिटी शुरू होगी और वो फ्री ऑफ सर्विस होगी, फ्री ऑफ कॉस्ट। सर मालेगांव भिवंडी, मैंने जैसे बताया कि मालेगांव या फिर भिवंडी पैटर्न हर एक जगह पे एक ही होता है कि जो गवर्नमेंट की तरफ से गाइडलाइन आती है उन्हीं को फॉलो करना होता है, बट अगर किसी जगह पे लगता है कि हर जगह के हिसाब से जो लोकल रिक्वायरमेंट होगी जैसा शहर होगा उस हिसाब से हमको वहाँ के लोगों की जरूरत के हिसाब से उनके काम करने के तरीके के हिसाब से वहाँ की कम्फर्ट के उनकी कल्चरल उनकी लाइफस्टाइल के हिसाब से हमको थोड़ा सा चेंज करना होता है, तो उस हिसाब से वही है कि यहाँ के लोगों के साथ मिलकर हम कैसे लड़ाई लड़ सकते हैं कोरोना से उसके ऊपर ही होगा। वो मालेगांव पैटर्न की बात करें या फिर आप भिवंडी पैटर्न की बात करें हमेशा वही होता है कि गवर्नमेंट की गाइडलाइन को फॉलो करना है और लोगों के साथ मिलकर काम करना है, वो पैटर्न हर जगह पे सेम रहता है। कोरोना के डेड बॉडी देने का जो सिस्टम है भिवंडी में क्या उसको कुछ चेंजेस करने की या गवर्नमेंट के गाइडलाइंस के मुताबिक काम नहीं हो रहा है, उनको अंतिम विधि जो है गवर्नमेंट की गाइडलाइन से नहीं हो रही उसको लेकर क्या देंगे? अगर ऐसी कंप्लेन है तो मैं आज आपने जैसे बोला उस हिसाब से मैं गवर्नमेंट की गाइडलाइन के हिसाब से अगर डेड बॉडी का डिस्पोजल नहीं हो रहा है उस पर हम काम करेंगे, पुलिस से मैं बात करूंगा, हॉस्पिटल अथॉरिटी से बात करूंगा और वहाँ के जो पेशेंट के रिलेटिव है उनको भी काउंसलिंग की जाएगी कि उनको गवर्नमेंट की गाइडलाइन को डेड बॉडी डिस्पोजल में उस हिसाब से उनको काम करना चाहिए। अपने मन में छुपा कर रखते हैं और आसपास में फैलता है। कोविड टेस्टिंग की कैपेसिटी बढ़ाने के लिए हमने आज सुबह ही बात की है, दो दिन मीटिंग में हमारी चर्चा भी हुई है, तो गवर्नमेंट फैसिलिटी के अंदर फ्री ऑफ कॉस्ट जो टेस्टिंग है उसकी संख्या हम अगले दो या तीन दिन में बढ़ाकर 200-300 तक लेके जाएंगे और उसके बाद में अगर जरूरत पड़े तो और भी संख्या बढ़ाई जाएगी, तो टेस्टिंग के प्राइवेट रेट की वजह से डरने की किसी को जरूरत नहीं है, दो या तीन दिन के अंदर गवर्नमेंट टेस्टिंग की संख्या काफी बढ़ाई जाएगी और उसके हिसाब से अगर आईसीएमआर प्रोटोकॉल में होगा तो उस पेशेंट को सस्पेक्टेड होगा तो टेस्ट किया जाएगा। सर एचआरसीटी कराने के लिए पहले रेट 2,000 रुपीज था, फिलहाल अभी ये लोग चार्ज कर रहे हैं 3,000 से 3,500 रुपया। सर अगर ऐसी कंप्लेन है मैं देखता हूँ इसके अंदर, रेडियोलॉजिस्ट से हमने कल बात की थी कि चारों जो बड़े रेडियोग्राफी सेंटर्स हैं रेडियोलॉजिस्ट उनको हमने बुलाया था, उनसे हम बात करेंगे, अगर ऐसी कंप्लेन है तो हम उनके ऊपर भी उनको इंस्ट्रक्शन देंगे कि क्या कारण है और अगर गलत कुछ प्रैक्टिस हो रही है तो उनके ऊपर भी कार्रवाई।